नमस्कार, विकीपी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना सुप्रीमो को एक और बड़ा झटका देने की लगभग पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन एन वक्त पर ये मिशन पूरा नहीं हो पाया। लेकिन एनसीपी के सीनियर नेता शरद पवार को झटका देने में जरूर कामयाब रहे। पवार के करीबी रहे अशोक गावंडे ने पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाने का फैसला लिया है। वहीं मुंबई की एक झुग्गी बस्ती से चलने वाली एक राजनीतिक पार्टी को मिले करोड़ों के चंदे ने आयकर विभाग के कान खड़े कर दिए। तो उधर आदित्य ठाकरे ने शिंदे फडणवीस सरकार पर निशाना साधा है। ठाकरे ने कहा कि इस सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए बंगलों का बंटवारा तो कर लिया, लेकिन अभी तक मुंबई ये अन्य जिलों को उनको संरक्षण मंत्री नहीं मिल पाया है। इसी बीच मोहित कंबोज ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता को न तो गणेशोत्सव पर कोई बधाई दी और न ही दही हांडी पर। इससे अनेक दावे पर सवाल खड़ा होता है। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना सुप्रीमो को एक और बड़ा झटका देने की लगभग पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन ऐन वक्त पर ये मिशन पूरा नहीं हो पाया। दरअसल मुंबई के उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से सांसद गजानन कीर्तिकार भी शिंदे गुट में शामिल होने वाले थे। इसका अंदाजा तो तभी हो गया था जब मुख्यमंत्री शिंदे कीर्तिकार के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। इसके बाद ये लगभग तय हो गया था कि वो उद्धव का साथ छोड़ देंगे, लेकिन गजानन के बेटे अमोल कीर्तिकार ने पिता को मनाया और उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। बता दें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हाल ही में अमोल कीर्तिकार को शिवसेना का उपनेता नियुक्त किया है। बेटे ने अपने पिता से कहा कि शिवसेना और पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे मुश्किल में है, ऐसे में अगर हम उद्धव साहब को छोड़ दें तो भगवान भी हमें माफ नहीं करेंगे, दुनिया में मेरे जैसा कोई मतलबी इंसान नहीं होगा। इसके बाद कीर्तिकार ने शिंदे गुट में शामिल होने का फैसला बदल लिया। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि शिवसेना का एक और सांसद ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे समूह में दशहरा सभा में शामिल होने जा रहा है। तब उद्धव खेमे में भी हलचल बढ़ी और आनंद फानंद में उद्धव ठाकरे ने फैसला लिया, जिसका भावनात्मक असर हुआ। उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल करने और शिवसेना पर भी उनकी दावेदारी को कमजोर करने के बाद एकनाथ शिंदे गुट ने अब एनसीपी चीफ शरद पवार को करारा झटका दिया है। एनसीपी के सीनियर नेता और शरद पवार के करीबी रहे अशोक गावंडे ने पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाने का फैसला लिया है। उन्होंने समर्थकों के साथ मीटिंग की और उसके बाद एकनाथ शिंदे संघ जाने का फैसला लिया था। 2 दिन पहले ही अशोक गावंडे ने एनसीपी से इस्तीफा दे दिया था। इसी बीच गावंडे ने पार्टी छोड़ते ही पूर्व मंत्री जितेंद्र आभाड़, विधायक शशिकांत शिंदे और अन्य नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने एनसीपी की नवी मुंबई यूनिट ने अपना दखल बढ़ा लिया था, एनसीपी में गुटबाजी पैदा हो गई है, ये सब मैं कई दिनों से झेल रहा हूँ। इसकी शिकायत समय समय पर वरिष्ठ नेताओं से भी की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। गावंडे ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं आज इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इस गुटबाजी से तंग आ चुका हूँ। मैंने 2 साल पहले विष्णुदास भावे थिएटर में कार्यकर्ताओं की बैठक में भी इस बारे में बात की थी। चूँकि मैंने एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के सामने सार्वजनिक टिप्पणी की थी, इसलिए मुझे साइडलाइन कर दिया गया। मैंने तो पार्टी के बुरे दिनों में निस्वार्थ भाव से काम किया था, इसके बाद मेरे साथ ये हश्र हुआ। मुंबई की एक झुग्गी बस्ती से चलने वाली एक राजनीतिक पार्टी को मिले करोड़ों के चंदे ने आयकर विभाग के कान खड़े कर दिए हैं। हाल ही में देश भर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से छापेमारी की गई थी। इसी दौरान इस राजनीतिक दल के बारे में भी खुलासा हुआ है। जनतावादी कांग्रेस पार्टी नाम के इस दल का मुख्यालय चुनाभट्टी इलाके की एक झुग्गी बस्ती में स्थित है। जानकारी सामने आई है कि 2015 में बनी जनतावादी कांग्रेस पार्टी को कोई छोटी राशि नहीं बल्कि 90 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। आयकर विभाग को शक है कि हवाला रैकेट के जरिए आई रकम राजनीतिक दल को ट्रांसफर की गई है। इससे शक और गहरा हो गया है। जनतावादी कांग्रेस पार्टी पंजीकृत दल है, लेकिन महाराष्ट्र या फिर मुंबई की सियासत में इसका कभी कोई रोल नहीं रहा है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जनतावादी कांग्रेस पार्टी को 90 करोड़ रुपए का दान किसने दिया, जो एक चाली में 2 मंजिला कमरे से चलती है और पार्टी के सिंबल के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। इस बारे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष काटके ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को 90 करोड़ रुपए का चंदा मिला, ये सारा पैसा पार्टी के काम में खर्च किया गया, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैंने खर्च का सारा ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंप दिया है,
हालांकि आयकर विभाग ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। आयकर विभाग के अफसरों का कहना है कि जनतावादी कांग्रेस पार्टी द्वारा दिखाए गए सभी खर्च विवरण फर्जी है। अनंत चतुर्दशी के मौके पर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने पुणे से राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार पर निशाना साधा है। ठाकरे ने कहा कि इस सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए बंगलों का बंटवारा तो कर लिया, लेकिन अभी तक मुंबई ये अन्य जिलों को उनका संरक्षण मंत्री नहीं मिल पाया है। इसी से सरकार की जनता के प्रति संजीदगी का पता चलता है। संरक्षक मंत्री की भूमिका जिलों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। फिलहाल शिंदे सरकार ये दावा कर रही है कि राज्य में सभी प्रतिबंधों से मुक्त होकर उत्सवों को मनाया जा रहा है। इस सवाल पर भी ठाकरे ने शिंदे सरकार पर निशाना साधा। आदित्य ने कहा कि उस समय के हालातों को देखकर कड़े नियम लागू किए गए थे, जिसकी वजह से हम कई लोगों की जान बचा पाए हैं। वरना अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र में हालात पैदा हुए होते। हर धर्म में यही सिखाया जाता है कि इंसान की जान बचानी चाहिए, उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बगावत की उपज इस सरकार से अपेक्षाएं नहीं की जा सकती। जो पार्टी का नहीं हो सका वो प्रदेश की जनता का क्या होगा। जनता के बीच हम जा रहे हैं तो उनकी प्रतिक्रियाएं भी हम ही सुन रहे हैं। जनता इनकी बगावत का मजा चखाने को तैयार है, लेकिन पहले सरकार को स्थिरता तो दे दे। भाजपा के साथ शर्तों के आधार पर सरकार बनी है, इसीलिए बगावतियों में ही बगावत होने लगी है। भारी नाराजगी है, सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर एक बार फिर से निशाना साधा है। कंबोज ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता को न तो गणेश उत्सव पर कोई बधाई दी और न ही दही हांडी पर। कंबोज ने कहा कि 2.5 साल बाद हिंदुओं ने जिस उत्साह के साथ इन दोनों त्योहारों को मनाया है, उसी के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसके पहले भी कंबोज ठाकरे परिवार पर तीखे हमले करते रहे हैं। उन्होंने एक के बाद एक और ट्वीट कर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लगता है कि हिंदुत्व के आगे याकूब मेमन के परिवार का दबाव ज्यादा था, शायद इसी वजह से कब्र को मजार बनाने में तो दिल खोलकर मदद की, लेकिन गणपति बाप्पा के आगमन की खुशी या उनके विसर्जन को लेकर एक ट्वीट तक नहीं किया। मोहित कंबोज ने कहा कि 1993 में मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की कब्र को मजार बनाने की कोशिश की गई है। इसके लिए कब्र के आसपास लाइट्स और मार्बल लगाया गया, हालांकि अब यहां लगी लाइट्स को मुंबई पुलिस ने हटवा दिया है। ये कब्रिस्तान मरीन लाइन स्टेशन के पास है, जिसे बड़ा कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। कब्र की तस्वीरों को देखकर ये कहा जा सकता है कि चारों तरफ मार्बल कोटिंग की गई थी। कब्र के पास बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई गई। कब्रिस्तान के केयरटेकर का कहना है कि मेमन परिवार ने ये जगह ली है। याकूब के बाद उनके रिश्तेदारों को भी यही दफनाया गया है। वही बीजेपी ने इस मामले में तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार पर कब्र की सजावट का आरोप लगाया था। त्योहारी सीजन शुरू होने की वजह से NTAGI प्रमुख NK अरोड़ा ने लोगों से पेंडिंग बूस्टर डोज लेने की अपील की, तो कर्नाटक के कोलर जिले में पुलिस ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को समर्थन करने पर 3 मुस्लिम युवक के खिलाफ FIR दर्ज की है। वही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ पादरी जॉर्ज पोनैया की मुलाकात को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। तो उधर नई वंदे भारत ट्रेन ने स्पीड के मामले में बुलेट ट्रेनों को भी पीछे छोड़ दिया है। नई वंदे भारत ने टेस्ट रन के दौरान नया रिकॉर्ड बना लिया है। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक रायपुर के जनमानस भवन में प्रारंभ हुई। बैठक का शुभारंभ सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सरकारी वाह दत्तात्रेय होसबाले ने किया। देश भर के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कोरोना वायरस संक्रमण अब कमजोर हो चुका है। भारत में इससे संक्रमितों मरीजों की संख्या पहले से कम हो गई है, लेकिन त्योहारी सीजन शुरू होने की वजह से एक बार फिर लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। इसी क्रम में NTAGI प्रमुख NK अरोड़ा ने लोगों से पेडिंग बूस्टर डोज लेने की अपील की। अरोड़ा ने कहा कि अगले 4 महीने के बाद हम पहले की कंडीशन में होंगे, इसलिए जितना हो सके इन 4 महीनों के दौरान उतना एहतियात बरते, इससे कोरोना के नए स्ट्रेन को भी आने से रोका जा सकेगा। अरोड़ा टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह यानी NTAGI के प्रमुख है। ये समूह एक शीर्ष पैनल है जो भारत में कोरोना वायरस टीकों के उपयोग और तैनाती पर महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। अरोड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया कि देश में अधिकतर लोगों ने शुरू में बूस्टर डोज लगवाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन स्वास्थ्य केंद्रों पर केंद्र सरकार की फ्री में वैक्सीन देने की पहल में इसमें तेजी जरूर आई है। पहले औसतन प्रतिदिन लगभग 2 लाख खुराक दी जाती थी, जबकि अब ये प्रतिदिन 25 से 40 लाख खुराक के बीच हो गई है।
जुलाई में जब सरकार ने सभी के लिए मुफ्त बूस्टर की घोषणा की और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी टीकाकरण केंद्रों में उपलब्ध कराया तो 40,000 से अधिक केंद्रों ने इसे देना शुरू कर दिया। इसके बाद से लगातार संख्या में तेजी आती गई। कर्नाटक के कोलार जिले में बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को समर्थन करने पर 3 मुस्लिम युवक के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस ने R वेंकटेशप्पा की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि तीनों मुस्लिम युवकों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। पुलिस ने शिकायत के बाद तीनों के खिलाफ FIR दर्ज की है। एशिया कप 2022 के अंतर्गत 4 सितंबर को हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया था। इसके बाद कुछ युवाओं ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रशंसा करते हुए अपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें और मैसेज पोस्ट किए। इसके खिलाफ R वेंकटेशप्पा ने पुलिस में शिकायत दी थी। एक समय लग रहा था कि पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल गया है। पाकिस्तान को अंतिम 2 ओवर में 26 रनों की जरूरत थी, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने 19वें ओवर में 19 रन लुटा दिए, जिससे मैच पाकिस्तान के पाले में चला गया। पाकिस्तान ने 20वें ओवर में आसानी से 7 रन बना लिए। एक बॉल रहते पाकिस्तान ने मैच को अपने नाम कर लिया। इसके बाद कर्नाटक के मुस्लिम युवाओं ने पाकिस्तान के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मामला भड़कने के डर से पुलिस ने आनन फानन में कदम उठाया और संदिग्धों पर नजर रखी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ पादरी जॉर्ज पोनैया की मुलाकात को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस मुलाकात का एक वीडियो ट्वीट किया है। पादरी जॉर्ज पोनैया को पिछले साल धरती माता, PM नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल जॉर्ज पोनैया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पोनैया को गिरफ्तार किया गया था। पादरी के ऊपर सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के आरोप लगे और कई शिकायतें भी दर्ज कराई गई। बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मद्रास हाईकोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई थी। जॉर्ज पोनैया ने कहा था कि ईसाई जूते पहनते हैं ताकि उनके पैरों में खुजली ना हो। पादरी ने भूमि देवी और भारत माता को संक्रमण और गंदगी का स्रोत बताया था। पोनैया की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि कोई दूसरों के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान नहीं कर सकता है। हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं को चोट पहुंचाने की बिल्कुल ही कोई जरूरत नहीं थी। कोर्ट की ओर से कहा गया कि पूरे भाषण को पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति संदेह में नहीं रहेगा, उनके निशाने पर हिंदू समुदाय है। वो हिंदू समुदाय को एक और दूसरी ओर ईसाई और मुसलमान को रख रहे हैं। वो स्पष्ट रूप से एक समूह को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। ये अंतर केवल धर्म के आधार पर किया गया है। नई वंदे भारत ट्रेन ने स्पीड के मामले में बुलेट ट्रेनों को भी पीछे छोड़ दिया है। नई वंदे भारत ने टेस्ट रन के दौरान नया रिकॉर्ड बनाया है। इसकी रफ्तार देखकर सभी चौंक गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तीसरी और नई वंदे भारत ट्रेन ने टेस्ट रन के दौरान केवल 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हासिल की है। इसने बुलेट ट्रेनों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। बुलेट ट्रेन इस रफ्तार को हासिल करने में 54 मिनट 6 सेकंड का समय लेती है। परीक्षण के परिणामों की घोषणा करते हुए वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन का तीसरा परीक्षण पूरा हो गया है। नई वंदे भारत ट्रेन में एक वायु शोधन प्रणाली भी है, जो 99% प्रभावशीलता के साथ कीटाणुओं और वायरस को मार सकती है। परीक्षण के परिणामों की घोषणा करते हुए वैष्णव ने कहा कि नई ट्रेन की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि पुरानी वंदे भारत की अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की ही है। ये ट्रेन इंजन नहीं बल्कि स्वचालित मोटरों की सहायता से चलती है। 16 कोच वाली इस ट्रेन के 5 कोच में मोटर लगी होती है। स्वचालित मोटरों की मदद से इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। बुलेट ट्रेन के आगे लगे एक इंजन पर वंदे भारत के पूरे ट्रेन में लगी 20 मोटर ज्यादा कारगर होती है। अभी वंदे भारत ट्रेन की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, हालांकि इसका नया वर्जन 180 किलोमीटर प्रति घंटा का है। वहीं अब साल 2025 तक इस ट्रेन के अपग्रेड वर्जन को 260 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ाने की तैयारी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक रायपुर के जनमानस भवन में प्रारंभ हुई। बैठक का शुभारंभ सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सरकारी वाह दत्तात्रेय होसबाले ने किया। बैठक में 36 संगठनों के प्रमुख अखिल भारतीय पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। वहीं इस मौके पर भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहे। बैठक में वर्तमान राष्ट्रीय व सामाजिक परिदृश्य, शिक्षा, सेवा, आर्थिक व राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। गौ सेवा, ग्राम विकास, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता आदि विषयों को आगे बढ़ाने की भी चर्चा होगी।
संगठन के विस्तार और विशेष प्रयोगों की जानकारी भी साझा की जाएगी। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी, अरुण कुमार मुकुंदा और रामदत्त चक्रधर, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य भैया जी जोशी, सुरेश सोनी, वी भाग्या, विद्या भारती के महामंत्री गोविंद महंती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री आशीष चौहान, महामंत्री निधि त्रिपाठी, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका वंदनीया शांतक्का उपस्थित रहे। इसके अलावा कार्यवाहिका अन्नदानम सीतक्का, सेवा भारती की महामंत्री रेणु पाठक, भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, महामंत्री संगठन बीएल संतोष, भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हिरमनय पंड्या, संगठन मंत्री बी सुरेंद्रन, भारतीय किसान संघ के संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी, वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष रामचंद्र खराड़ी, संस्कृत भारती के संगठन मंत्री दिनेश कामत सहित 240 से अधिक कार्यकर्ता उपस्थित है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने धमकी दी है कि अगर उन्हें जेल भेजा जाता है तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। तो भारी बारिश के चलते पाकिस्तान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अपने किनारे तोड़कर बाढ़ का रूप लेने लगी है। वहीं सरहद का एक मंदिर इन दिनों विशेष चर्चा में है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना की तरफ से गिराए गए करीब 3000 बम इस मंदिर पर खरोंच तक नहीं ला सके थे। तो उधर दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में लगभग 3700 किलोमीटर दूर ईस्टर आइलैंड पर ज्वालामुखी पत्थरों को तराश कर बनाई गई अखंड मूर्तियां सदियों से कौतूहल का केंद्र बनी हुई है। इसी बीच इंडोनेशिया की एक गुफा में पुरातत्वविदों को एक कंकाल मिला है जो मेडिकल हिस्ट्री को बदल सकता है। दुनिया भर की इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने धमकी दी है कि अगर उन्हें जेल भेजा जाता है तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इमरान खान ने यह बयान उस वक्त दिया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ लगाए गए आतंकवादी धाराओं को लेकर सुनवाई चल रही थी। इस्लामाबाद के सदर मजिस्ट्रेट अली जावेद की शिकायत पर पीटीआई प्रमुख इमरान खान पर 20 अगस्त को इस्लामाबाद में आयोजित एक रैली के दौरान एक महिला न्यायाधीश को धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। इमरान खान कड़ी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद उच्च न्यायालय पहुंचे। उसके पहले कई नेता अदालत पहुंच चुके थे, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों ने फवाद चौधरी, शहजाद वसीम और अन्य नेताओं को अदालत के बाहर ही रोक दिया, क्योंकि उनके नाम रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में नहीं थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने इमरान खान के खिलाफ अदालत की अवमानना का केस चलाने का आदेश दिया, जिसके बाद कोर्ट के बाहर मीडिया से इमरान खान ने कहा कि वो महिला न्यायाधीश पर की गई टिप्पणी के संबंध में अदालत में अपने बयान को प्रासंगिक बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने का अवसर नहीं दिया गया, जबकि हर बयान का एक संदर्भ होता है। बता दें कि इमरान खान के ऊपर इस्लामाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एक महिला मजिस्ट्रेट को धमकाने का आरोप है, जिसके बाद उनके खिलाफ आतंकवादी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कई हफ्तों की मानसूनी बारिश ने पाकिस्तान को डुबो दिया है। एक तिहाई देश बाढ़ की गिरफ्त में है। 3,50,00,000 से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। आपदा के बीच एक और खतरा लोगों की तरफ बढ़ रहा है। भारी बारिश के चलते सितंबर की शुरुआत में देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अपने किनारे तोड़कर बाढ़ का रूप लेने लगी है। अगर इस झील में बाढ़ आती है तो हजारों लोगों को अपना घर गंवाना पड़ सकता है। नई सैटेलाइट तस्वीरों में झील का रौद्र रूप देखा जा सकता है। अब तक पाकिस्तान में बाढ़ से 1300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की लैंडसेट 8 और लैंडसेट 9 सैटेलाइट ने इन तस्वीरों को खींचा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मंचर झील अपने किनारों को तोड़कर बह रही है। नासा ने अपने आधिकारिक बयान में लिखा है कि झील के किनारे टूटने से पूरी घाटी में फैले सैकड़ों गाँव में रहने वाले करीब 1,00,000 लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मौजूदा बाढ़ को पाकिस्तान का 10 साल में सबसे भयानक संकट माना जा रहा है। मौत और हजारों की संख्या में घायलों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 1,00,000 से अधिक घर तबाह हो चुके हैं। एक नई जानकारी से पता चला है कि पाकिस्तान में अचानक आई बाढ़ से होने वाला आर्थिक नुकसान $15 अरब से $20 अरब के बीच हो सकता है। मंचर झील पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, जो बाढ़ से सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तनोटा माता मंदिर में पूजा अर्चना की। राजस्थान के सरहदी जिले जैसलमेर का तनोटा माता मंदिर न सिर्फ हिंदू धर्मावलंबियों बल्कि हर भारतीय के दिल में खास स्थान रखता है। वही भारतीय सेना का भी इससे गहरा संबंध है। ये मंदिर देश की पश्चिमी सीमा के निगेहबान जैसलमेर जिले की पाकिस्तान से सटी सीमा बना हुआ है। तनोटा माता मंदिर अपने आप में अद्भुत मंदिर है।
सरहद पर बना ये मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र के साथ साथ भारत पाकिस्तान के 1965 व 1971 के युद्ध का मूक गवाह भी रहा है। युद्धकाल में यहाँ जो घटनाएं हुई है उसे आज तक लोग माता का चमत्कार मानते आए हैं। यही वजह है कि भारतीय सेना की रक्षक के रूप में पूरा देश तनोटा माता को पूछता है। लेकिन यहाँ हुए चमत्कार कोई दंत कथाएं नहीं है और न ही कोई मनगढ़ंत कहानी है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों और सीमा सुरक्षा बल के जवानों की तनोटा माता ने मां बनकर ही रक्षा की थी। लड़ाई में पाकिस्तानी सेना की तरफ से गिराए गए करीब 3000 बम भी इस मंदिर पर खरोच तक नहीं ला सके। यहां तक कि मंदिर परिसर में गिरे 450 बम तो फटे तक नहीं। माता के बारे में कहा जाता है कि युद्ध के समय माता के प्रभाव ने पाकिस्तानी सेना को इस कदर उलझा दिया था कि रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सेना अपने ही सैनिकों को भारतीय सैनिक समझकर उन पर गोलीबारी करने लगे और परिणाम स्वरूप स्वयं पाकिस्तानी सेना की ओर से अपनी सेना का सफाया हो गया। दक्षिण अमरीका के पश्चिम में लगभग 3700 किलोमीटर दूर ईस्टर आइलैंड है। इस आइलैंड पर ज्वालामुखी पत्थरों को तराश कर बनाई गई अखंड मूर्तियां हैं। औसतन 13 फीट लंबे और 14 टन वजनी पत्थरों को काटकर इन्हें द्वीप के चारों ओर लगाया गया है। इन्हें मोई कहा जाता है। इसकी संख्या लगभग 900 के बराबर है। दुनिया की कई रहस्यमय जगहों में से एक ईस्टर आइलैंड भी है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इन मूर्तियों को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जाते रहे हैं। इन मूर्तियों को कैसे बनाया गया और इन्हें क्यों बनाया गया आज भी रहस्य है। माना जाता है कि ईस्टर आइलैंड के प्राचीन लोगों ने कुलीन शासक वर्ग के इशारे पर हजार मोई को तराशने का काम किया। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनका मानना था कि ये मूर्तियां फसल पैदा करने में सक्षम है। इनकी सबसे खास बात ये है कि ये देखने में सब एक जैसी लगती है। ज्यादातर मूर्तियां चेहरा है लेकिन बिना आंखों के है। देखने पर ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ढांचे में ढाला गया है। ये मूर्तियां कहां से आई इसे लेकर भी कई सवाल हमेशा से रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसे एलियन यहाँ छोड़कर चले गए। हालांकि ये सब सिर्फ एक मिथक है। लेकिन सबसे पहले ईस्टर आइलैंड के बारे में 1722 में पता चला जब यूरोपियाई एक्सप्लोरर जैकब रॉकडेविन अपनी नाव से यहाँ पहुँचे थे। जिस दिन वो यहाँ पहुँचे तब ईस्टर संडे था, जिसके कारण इसका नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया गया। यहाँ उन्हें कुछ ही लोग मिले थे और सिर्फ मूर्तियाँ दिखी, जिसके कारण एलियन वाली बात ज्यादा चर्चा में रही। इंडोनेशिया के एक गुफा में पुरातत्वविदों को एक कंकाल मिला है जो मेडिकल हिस्ट्री को बदल सकता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 31,000 साल पहले पूर्वी कालीमंतन प्रांत में लियांग तेबो गुफा में ये कंकाल दफन किया गया था। कंकाल महिला का है या पुरुष का इसके बारे में जानकारी नहीं है। शोधकर्ताओं ने पाया कि इस कंकाल का बायां पैर नहीं है। संभवतः किशोर अवस्था से पहले ही इसका पैर बेहद सावधानी और सफाई के साथ काट दिया गया था। 19 से 21 साल की उम्र में अज्ञात कारणों से मौत का अनुमान है। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 10,000 साल में खेती शुरू करने और स्थायी बस्तियों में रहने से पहले इंसानों के पास चिकित्सा या कठिन ऑपरेशन से जुड़ा ज्ञान नहीं था। सिर्फ 100 साल पहले ही सर्जिकल तरीके से अंगों को काटना पश्चिम में आदर्श बना। इससे पहले अंगों को काटने के दौरान ज्यादा खून बहने, इन्फेक्शन या शॉक से ही लोगों की मौत हो जाती थी। शोध में आगे कहा गया है कि इंडोनेशिया में मिले कंकाल का पैर हजारों साल पहले बचपन में काटा गया था। इसके बावजूद वो 6 से 9 वर्ष तक जिंदा रहा। उसे किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं हुआ, जो एडवांस जानकारी दिखाता है। इस खोज से पहले अंग काटने से जुड़ा सबसे पुराना कंकाल 7,000 साल पुराना था। ये फ्रांस में है, जिसके हाथ को कोहनी के ऊपर से काटा गया था। शोधार्थी इस कंकाल पर संपूर्ण शोध कर रहे हैं। तो वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।